अग्रवाल साहब, आज पहली बार लॉ कमेटी की इस साल मीटिंग हुई है, क्या कुछ खास रहा, क्या सब निर्देश दिए गए? क्योंकि लॉ कमेटी का जो मेन काम है वो लॉ कमेटी एडवाइजरी कमेटी है। हमें भिन्न भिन्न जो ईडीएमसी के महत्वपूर्ण कई विभाग हैं, जैसे लाइसेंसिंग विभाग है, जैसे मीट लाइसेंसिंग पॉलिसी की दुकानों की पॉलिसी का मामला है, जैसे बिल्डिंग बाई लॉज है, जैसे अपना 1957 एमसीडी एक्ट है, या अन्य ऐसी चीज़ें जो पॉलिसी मेकिंग या दूसरी भाषा में समझें तो उसको कानूनी पहलू जो है उस पर अपने सुझाव देने होते हैं। जो वक्त के साथ कुछ बदलाव है, जैसे हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको लगता है कि भाई इन पॉलिसी में वक्त के साथ ये चेंज होना चाहिए या ये जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं बनी हुई, तो वो सुझाव देने का काम ये विधि कमेटी का है। तो उसी पर सब चर्चा हुई आज। तो आज एक तो हमने ये कहा है कि जो 24 ग्रेड ऐसे हैं जो जनरल लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत आते हैं, उनमें से मीट की जो पॉलिसी है, मीट दुकानों की जो पॉलिसी है, उसको अलग किया जाए, क्योंकि उसके कारण बहुत ही समाज में एक गलत मैसेज जाता है। और मीट की दुकान सामान्य जनरल ट्रेड की तरह है भी नहीं, उसका बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बहुत लोगों को उससे परेशानी होती है, पशुओं को काटा जाता है, उनका खून नालियों में बहाया जाता है, बहुत मतलब ख़राब स्थिति उससे बनती है। तो हमने ये आज कहा है कि उसको 24 ट्रेड से अलग करके अलग से उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और उसको यहाँ प्रस्तुत किया जाए, उसमें सबके सुझाव हमने मांगे हैं। इसी तरह बिल्डिंग बायलॉज वाले जो हैं, क्या क्या नियम हैं उसके, क्या उनमें संशोधन की ज़रूरत है, और बिल्डिंग बनती है, टूटती हैं, ये सब लोग आम जनता उन फ्लैटों को खरीदती है, कुछ करती है, तो स्पष्ट और पारदर्शी पॉलिसी ईडीएमसी की होनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आनी चाहिए, उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी सदस्यों ने तय बाजारी से संबंधित है या जो दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा सामान लोगों ने अतिक्रमण रखा हो, ये सब भी विषय, तो इन सब चीज़ों पर आज हमने संज्ञान लिया है। और आने वाले समय पर हम चाहते हैं कि ये सब कुछ बड़ा पारदर्शी सिस्टम में निकल के आए और ईडीएमसी की रेवेन्यू भी बढ़े और जो अन्य तरीके से पैसा कहीं गलत जगह जाता है, वो अगर ऐसा कहीं है कि वो गलत जगह जाता है तो उस पर रोक लेना चाहिए। लॉ कमेटी के पहले मीटिंग बहुत कम हुआ करती थी, शायद ही कभी होती थी, अधिकारी भी बहुत कम यहाँ आते थे, आज भी अधिकारी कभी काफ़ी नदारद थे यहाँ पर, इस पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्या लॉ कमेटी की आगे बैठक होगी? कुछ अधिकारी, कुछ विभागों के अधिकारी यहाँ नहीं आए थे सूचना होने के बावजूद भी, उनको बिल्कुल इन राइटिंग उनसे पूछा जाएगा ना आने का कारण, और भविष्य में ऐसा ना हो इसको बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा।